हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं धनेश हूँ और आप कृषक इंडिया कृषक भारत देख रहे हैं। दोस्तों, आज एक और नए वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। साथियों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मुर्गी पालन में हमें घाटा कैसे हो जाता है, क्या क्या हम गलती करते हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में आज के इस वीडियो में हम जानकारी लेंगे ताकि हमें नुकसान ना हो। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। साथियों, सबसे पहले नंबर पे है मार्केट को जाने बिना बड़ी बैच डाल देना। और ये गलती मैंने भी किया था, उसमें मुझे बहुत ज़्यादा नुकसान भी हुआ था, लेकिन बाद में मैं छोटा बैच डाला और धीरे धीरे करके मुझे इसमें फ़ायदा होना शुरू हुआ। साथियों, मार्केट को जानना मतलब कि हमारे एरिया में, हमारे आसपास के मार्केट में कौन से ब्रीड का ज़्यादा डिमांड है, इसको जानना होता है। और अगर आपने इसका जानकारी नहीं रखा और दूसरा ब्रीड डाल दिया तो आपको नुकसान होना स्वाभाविक सी बात है। मैंने बिना जाने FFG बहुत ज़्यादा संख्या में डाल दिया था, लगभग 2,500 चूजा एक साथ डाल दिया था। और हमारे एरिया में FFG का डिमांड बहुत कम है और उसी में मुझे बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया। लगभग 20 से 22 दिन पालने के बाद मुझे पता चला कि इसका डिमांड बहुत कम है, इस एरिया में मांस के लिए इसका उपयोग ज़्यादा नहीं होता है। तो मैंने 20 से 25 दिन में ही छोटे चूजों को सेल करना शुरू कर दिया और उस बैच में मुझे उतना ज़्यादा नुकसान तो नहीं हुआ लेकिन फ़ायदा भी नहीं हुआ। तो इसलिए आप सबसे पहले अपने एरिया में कौन से ब्रीड का डिमांड है उसका पहले पता लगाएं, उसके बाद ही अपने सेट में चूजे डालें। दोस्तों, हो सकता है आपके एरिया में FFG का डिमांड हो, वनराज का डिमांड हो, यानी कि मोटा पैर वाले जो मुर्गी हैं उनका डिमांड हो, तो आप उसका पालन कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सभी जगह में इससे नुकसान ही होगा, इससे फ़ायदा भी हो सकता है, लेकिन एक बार अपने एरिया में इसका मार्केटिंग के बारे में जानकारी ज़रूर ले लें। दोस्तों, दूसरे नंबर पे है बैच को बहुत ज़्यादा दिन तक रोक के रखना। मान लिया जाए आपका मुर्गी 90 दिन में तैयार हो चुका है और 10 से 20 दिन बाद कोई त्यौहार आने वाला है जिसमें मुर्गी अच्छा खासा सेल होता है, तो दोस्तों बहुत से किसान साथी उसके लिए बैच को रोक देते हैं और उसी बीच में कुछ बीमारी आ जाता है तो उससे बहुत ज़्यादा नुकसान भी हो जाता है। इसलिए अगर आप बैच को रोकते हैं तो प्रॉपर उनका ट्रीटमेंट सही रखें और बहुत ही सावधानीपूर्वक उसका फार्मिंग करें। साथियों, तीसरे नंबर पे है सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, इसका मार्केटिंग नहीं कर पाना। तो मार्केटिंग नहीं कर पाना इसका मतलब ये है कि हो सकता है आपने ज़्यादा चूजा डाल दिया हो, आपके पास ज़्यादा मुर्गी हो, ये हो सकता है कि आपने सही ब्रीड को नहीं पाला हो और आपके एरिया में इसका डिमांड ना हो, तभी आपका मुर्गी जो है सेल नहीं हो पा रहा है। इसलिए दोस्तों, मार्केटिंग के लिए आपको सबसे पहले तो मार्केटिंग सीखना पड़ेगा। इसके लिए आपको चाहिए कि आप सबसे पहले कम चूजों से अपना काम शुरू करें। आपने मान लिया जाए 100, 200 या 500 मुर्गी से अपना काम शुरू किया है तो उसको धीरे धीरे सेल करते करते आपको एक आइडिया हो जाएगा कि अगले बैच में मुझे क्या करना है और उस हिसाब से आप मार्केटिंग सीख जाएंगे। तो इसलिए आप इसका मार्केटिंग करना ज़रूर सीखें। मुर्गी पालना कोई बड़ी बात नहीं है, आपको YouTube में देख करके सीखने को मिल जाएगा और कई प्रकार के आपके जो वेटनरी डॉक्टर हैं या तो आपके कोई साथी होंगे वो भी फार्मिंग करना सिखा देंगे, लेकिन इसका मार्केटिंग सबसे ज़्यादा कठिन होता है। ब्रॉयलर का मार्केटिंग बहुत आसान होता है और देसी मुर्गी का जो मार्केटिंग है बहुत ज़्यादा कठिन होता है। इसलिए इसके मार्केटिंग के बारे में आपको जानना ज़रूरी है। आपके आसपास के मार्केट में घूमिए और देखिए कि कौन सा ब्रीड अच्छा बिक रहा है और उस हिसाब से ब्रीड का चुनाव कीजिए। दोस्तों, अगर आप मुर्गी का मार्केटिंग सही तरीका से नहीं कर पाएंगे, आपके यहाँ माल रुक जाएगा, तो आपको इतना ज़्यादा दाना खिलाना पड़ेगा कि आपको कोई फायदा ही नहीं होगा। इसलिए आप कम मुर्गी से काम शुरू करें और धीरे धीरे उसको बढ़ाते जाएं। दोस्तों, अगला है चूजा पे कम और शेड या अन्य तामझाम जो होता है उस पे ज़्यादा खर्च कर देना। बहुत से किसान साथी अपने शेड को बहुत ही अच्छा बनाते हैं, उसमें ऑटोमेटिक ड्रिंकर, फीडर, स्पेशल फव्वारा सिस्टम, हर चीज़ एकदम प्रॉपर तरीके से लगा देते हैं और लास्ट में होता ही है कि उनके पास चूजा लाने के लिए पैसा नहीं बचता है। उसके बाद जब चूजा ले दे करके ले आते हैं उधारी वगैरह करके, तो उनको दाना खिलाने के लिए पैसा नहीं बचता है, तो उस स्थिति में उन्हें बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। तो दोस्तों, देसी मुर्गी का पालन कर रहे हैं, आपको ब्रॉयलर जैसे तामझाम नहीं करना है। सिंपल तरीके से नमी वगैरह ना आए वैसा सेट बना दीजिए तो आपका काम चल जाएगा। जैसे ही आप मुर्गी बेच करके उससे मुनाफा कमाते हैं,
उसके बाद उसी पैसा से आप अपने सेट को सुधार करते जाइए। दोस्तों अगला है दाना का बचत नहीं कर पाना। किसान साथियों आपको पता होगा कि जो देसी मुर्गी है वो लगभग 90 दिन में तैयार होता है, अगर आप पतला पैर वाले मुर्गी पाल रहे हैं तो दोस्तों अगर आपने 90 दिन तक मुर्गी पालना है तो इसके लिए आपको चाहिए कि दाना का बचत भी करते हुए चलना है। इसके लिए आपको चाहिए कि आप हरा चारा दें कुछ टाइम के लिए मुर्गियों को, घर का बना हुआ फीड दें और रेडीमेड फीड भी आपको देना है, लेकिन उसका बचत करते हुए आपको चलना है ताकि आपका जो कॉस्टिंग है वो कम आए और आपको मुनाफा ज़्यादा हो। और अगर आपने देसी मुर्गी को सिर्फ रेडीमेड फीड दे करके पाला है तो मेरे ख्याल से वो सही नहीं है, आपका कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा आएगा और आपको बेनिफिट कम होगा। इसलिए दोस्तों आप सबसे पहले तो हो सके तो फीड किस तरह से बनाया जाता है या हरा चारा कौन कौन सा देना चाहिए इसके बारे में जानकारी लें, और इसके बारे में जानकारी नहीं है तो हमारे चैनल पर पूरा हर चीज़ का वीडियो उपलब्ध है, वहाँ जा कर के देखें और डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक दे दूंगा तो वहाँ से भी आप जा कर के सीख सकते हैं। साथियों अगला है मुर्गी का वैक्सीनेशन नहीं करना। मुर्गियों को 7 दिन 14 दिन 21 से 24 दिन में यानी कि 3 जो वैक्सीन है लसोटा गम्बोरो और लसोटा का बूस्टर डोज, इन तीनों वैक्सीन को देना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। बहुत से किसान साथी वैक्सीनेशन पे ध्यान नहीं देते हैं, भले ही उनको जो भी मेडिसिन बोलेंगे मुर्गियों को दे देंगे लेकिन वैक्सीनेशन पे ध्यान नहीं देते हैं, जबकि ये बहुत ही ज़्यादा आसान होता है। इसको मात्र आपको पानी में मिला करके देना होता है या तो आँख में एक एक बूंद डालना होता है। और ये जो है वैक्सीनेशन नहीं करना बहुत बड़ा रिस्क हो जाता है, क्योंकि वैक्सीनेशन न करने से जो बीमारी आता है जैसे कि रानीखेत गम्बोरो, ये पूरे आपके लॉट में जितने भी मुर्गी हैं सबको मार देता है। इसलिए दोस्तों वैक्सीन ज़्यादा महंगा नहीं आता है, 250 से 300 रुपये में वैक्सीन मिल जाता है, तो आप मुर्गियों का वैक्सीनेशन ज़रूर करें और रिस्क ना लें। तो ठीक है दोस्तों, ये तो था मुर्गी पालन में नुकसान को कम करने का, रिस्क को कम करने का कुछ टिप्स। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और इसी तरह से मुर्गी पालन से रिलेटेड वीडियो हम लाते रहते हैं। और अगर आप भी मुर्गी पालन में इंटरेस्ट रखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जब भी इस तरह का वीडियो चैनल पर आए सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो ठीक है, मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।